आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तनाखेड़ागढ़ क्षेत्र में बीएसएफ जवान की पत्नी के अकाउंट से साइबर क्रिमिनल्स ने 1,00,000 रुपए पार कर दिए, लेकिन साइबर क्राइम थाना और महिला साइबर सेल की सतर्कता के चलते रकम को वापस करा लिया गया। साइबर क्राइम थाना पुलिस समय पर शिकायत करने वाले कई लोगों का पैसा वापस करा चुकी है। साइबर क्रिमिनल्स आए दिन महिला पुरुषों को अपना शिकार बना रहे हैं। थाना खेरागढ़ क्षेत्र में बीएसएफ जवान विश्वेंद्र सिंह की पत्नी मंजू देवी के अकाउंट से 1,00,000 रुपए पार कर दिए गए। अपराधियों ने मोबाइल की सिम बंद होने के बहाने बात कर बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल कर रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली, लेकिन समय पर शिकायत करने पर साइबर क्राइम थाना और महिला साइबर सेल की सतर्कता के चलते रकम को वापस करा लिया गया। बेटा की बहू थी, बेटे की बहू। क्या नाम है? मंजू देवी। उनके पति क्या करते हैं? तो बीएसएफ में नौकरी करते हैं। कैसे कटे पैसे? किसी ने फोन किया था, किसी ने। अच्छा, फोन की बात है, पता नहीं, हम तो जाना ही नहीं थे। कितने पैसे कटे? 1,00,000 रुपया। अच्छा, फिर शिकायत कहाँ की गई? साइबर क्राइम थाना, साइबर क्राइम आगरा। अच्छा, कितने तारीख की घटना है ये? 15 तारीख की, इतवार हुआ था। फिर शिकायत की? मदद की, उनकी मदद से पैसे वापस। कितने रुपए निकले? 1,00,000 रुपये। बताया गया है कि ई फ्लेक्सी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होने के 48 घंटे के अंदर मंजू देवी की तरफ से महिला साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। समय पर शिकायत करने पर साइबर क्राइम थाना और महिला साइबर सेल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्रिमिनल द्वारा ट्रांसफर की गई 1,00,000 की रकम को वापस करा दिया। फोन आदमी के लौटने के, मतलब आपकी सिम बंद होने जा रही है, कुछ होगा बता दीजिए। ई फ्लेक्सी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर होने के 48 घंटों के अंदर शिकायत करने पर साइबर क्राइम थाना और महिला साइबर सेल कई लोगों के पैसे वापस करा चुके हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस की टीम अब तक दर्जन भर से अधिक साइबर गैंग को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज चुकी है। इसी तरह महिला साइबर सेल की प्रभारी सब इंस्पेक्टर नीलकमल, रश्मि शर्मा, लक्ष्मी महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।